महागठबंधन को सता रही ओबीसी फैक्टर का डर लगातार गोपालगंज और अब कुढ़नी में भी जिस तरीके से काफ़ी वोटों की कटौती की ओबीसी फैक्टर ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने पर, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और वहीं पर पप्पू यादव से कल बीते दिनों हमारे पत्रकार ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने किसी तरीके से काटते हुए कहा कि कोई फैक्टर नहीं है लेकिन जो फैक्टर है वो सामने दिखता ही है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं संजय झा जी ने क्या कहा ओबीसी फैक्टर को लेके, साथ ही साथ पप्पू यादव ने क्या कहा है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। अभी गुजरात का इलेक्शन हुआ है और आंध्र प्रदेश का वहाँ पर हिमाचल का हुआ है, उसमें जदयू को एक भी सीट नहीं नजर आ रही है। लड़े ही नहीं थे, ना हिमाचल लड़े हैं ना गुजरात में लड़े हैं, हम लोग का कोई जब लड़े ही नहीं तो सीट की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये रिजल्ट मिक्स रिजल्ट, वो ये नहीं कह सकता है कि एक आदमी के पक्ष में, हिमाचल का भी रिजल्ट देखे है। और मेरा मानना है कि 2024 अभी ओपन है, 23 में बहुत कुछ आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। सर अचानक से 20वें राउंड के बाद जेडीयू की लगातार उसमें वोट की जो काउंटिंग होती रही धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि काफ़ी अंतर होगा, लेकिन 1354 वोट का अंतर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ओबीसी फैक्टर बिहार में काफ़ी बड़े लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। हाँ वो तो बी टीम है ही, क्योंकि जहाँ भी गोपालगंज में भी देखे और यहाँ भी देखे जिस हिसाब से वो एक ही वजह से खड़ा होकर के वोट काटने का वो कर रहे हैं, जरूर उन लोग को विश्लेषण करना चाहिए जो वोट देते हैं। और सेकंड ये है कि उस चुनाव में मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि लोकल फैक्टर प्ले किया है, हम लोग घूम रहे थे, शायद ये प्रत्याशी है वो पंचायत चुनाव में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए था, ये सब भी फैक्टर। जो माइनॉरिटी जेडीयू की एक ताकत हुआ करती थी, आरजेडी की ताकत हुआ थी, कहीं ना कहीं अब लग रहा है जेडीयू पे जो ज़्यादा भरोसा करते थे कहीं ना कहीं जेडीयू से हट रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? हट रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जो खड़े हो रहे हैं और जिनको कुछ लोग वोट दे देते हैं तो ज़रूर उनको सोचना चाहिए कि वोट दे को किसको मदद कर रहे हैं। सर सुशील मोदी बोले हैं क्या कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हिमाचल में हार गए तो उन लोग को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसका तो अलग कांच। ओबीसी फैक्टर को कितना मानते हैं अहम गुजरात में भी और बिहार के उपचुनाव में, क्योंकि यूपी चुनाव में 100 सीटों पे ओबीसी फैक्टर ने बड़ी जोर से काम किया था, आपके गोपालगंज में भी 10,000 वोट और कुढ़नी के में भी 3,000। कोई फैक्टर नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दी, गोपालगंज साहबुद्दीन जी परिवार का आहत होना, उसके प्रति अनादर होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 वोटों से कुछ नहीं होता, नहीं मात्र 1354 वोट से डिफरेंस है, वहां पर भी 10,000 वोट काट देना गोपालगंज में। भैया गोपा मैंने पहले कहा वो ओबीसी नहीं है, एआईएमएम नहीं है, वो साहबुद्दीन साहब के परिवार के संकट और कष्ट को आप उससे अलग नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं चुनाव सबको लड़ने का राइट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ ओबीसी साहब रहते हैं वहाँ क्यों नहीं लड़ते, तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते, 6-7 सीट पर क्यों लड़ते हैं, बाहर में 100 सीट पर लड़ेंगे, अपने घर में 6 सीट की लड़ेंगे ना। मैं औकात और हैसियत की बात नहीं करूंगा किसी की, लेकिन ये सवाल है सबके लिए, ईडी सीडी आईबी आईटी होता है, ओबीसी साहब के लिए ईडी सीडी आईबी ईटी का नहीं कभी होता है, सब लीडर जो इतना ओबीसी साहब से ज्यादा को कर जाएंगे क्या इन लोग। यदि अरविंद भाई फल्ला भाई हैं, हम लोग के बीच ओबीसी जी भी है और वो चिन्हित करते हैं लगभग मुस्लिम सीट पे भी, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को तो डाइवर्ट कर रहे हैं। भैया माइनॉरिटीज डाइवर्ट नहीं होता है, वो आपको वक्त बता देगा, राहुल गांधी जी की पदयात्रा कश्मीर से उत्तर से पूरा पश्चिम से दक्षिण होने दीजिए, 2024 में पता चल जाएगा, तब पूछिएगा ओबीसी साहब को कि कई तो सीट पर खड़ा करेंगे भारत में, अतः माइनॉरिटीज भैया माइनॉरिटीज ना मुस्लिम लीग को औकात बता दिया था इस देश में, समझे।